Hi sir, good morning. Good morning, good morning. आइए सर प्लीज आज मैं आपको थोड़ा हेल्दी हेल्दी खाना खिलाने लेके जाने वाली हूँ. हेलो हाय हाय हाउ आर यू. आप लोग यहाँ हो हम लोग यहाँ हैं तो एक तेरे गली का एपिसोड तो बनता है. आई थिंक आई कैन हैव वन एग्जॉटिक प्लेटर विद आइसक्रीम क्योंकि मैं आइसक्रीम की बहुत बड़ी फैन हूँ और थोड़ा हेल्दी और थोड़ा सा आइसक्रीम भी हो जाए तो मज़ा आ गया. मेरे को लग रहा है कि सर भी ये खाएंगे. आइसक्रीम तो पसंद है ना सर. स्मूदी मुझे ज़्यादा पसंद है. अच्छा, स्मूदी बोल आप दोनों में इतना अलग अलग चॉइसेस है, एक एज डिफरेंस भी है. आप लोग जेल कैसे हुए यार सेट पे? दिल का कोई वो नहीं होता, एज नहीं होता. Absolutely. है ना, दिल दिल होता है. यू नो मैंने जो ग्रेजुएशन किया है वो केमिस्ट्री में किया है. ओह सो वो राज है. और मैं चीफ केमिस्ट था पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री में. सच्ची में? हाँ हाँ, मैंने जॉब किया है भाई डेढ़ दो साल. इसीलिए केमिस्ट्री इतनी, इसलिए मेरी केमिस्ट्री जो बन जाती है. जेन जी है, मैं भी सेम कैटेगरी में आती हूँ. हमारे एक अलग स्लैंग्स होते हैं, अलग तरीका ही है, लाइफ स्टाइल ही अलग है. आप इनसे क्या सीखे हो? मैं इनसे बहुत कुछ सीखा है. मैंने फोमो हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है. देखिए ये तो हेल्दी चीज़ है, विच इज़ वेरी गुड. खाना भी चाहिए, हमें भी खाना चाहिए, बट इससे पेट नहीं भरता है. तो मैं आपको ऐसी जगह ले जाता हूँ जहाँ पे आप पेट भरे. वाह क्या बात है. लकी रेस्टोरेंट लेके आए हैं नवाज जी हमको. वैसे तो 100 साल पुराना रेस्टोरेंट है और यहाँ की बिरयानी भी बहुत फेमस है. मैंने बहुत सुना है इसके बारे में, बट पहली बार खा रही हूँ अभी आपके साथ. क्या बात है, मैं भी. आपको कौन सी बिरयानी पसंद? अगर आपको बोले कि पूरे इंडिया में आप कहीं की भी बिरयानी मंगवा सकते हो, कहाँ से मंगवाओगे? मैं तो मुरादाबाद की बिरयानी मुझे बहुत पसंद है और यहाँ की बिरयानी भी अच्छी है. और यखनी बिरयानी होती है एक, यखनी पुलाव. हाँ. वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है. वो कहाँ मिलता है? वो हमारे यहाँ मिलता है. सर आप हमें बुलाएंगे दावत पे दोनों को? आप जब चाहें. थैंक यू सो मच. सर क्या खिलाने वाले हो आज? मैं आपको यहाँ पे बिरयानी खिलाऊंगा. ओके. मटन चॉप खिलाऊंगा. और बस इतना काफ़ी है, इतना भी नहीं खा सकती आप. तो आप मुझे पता नहीं, थोड़ा थोड़ा सा खाएंगी लेकिन आपको खाना पड़ेगा. आप बहुत टेस्टी लगेगी. पक्का? पक्का. अच्छा जब खाने की इतनी बात हो रही है, ट्रैवल की बात हो रही है, मेरे पास एक गेम है. ओके. और फूड शरीद्स बेसिकली जैसे हम डम शराद खेलते हैं या वैसे ही फूड शराद्स. ओके. तो चिप्स रहेंगे, आपको डिस्क्राइब करना है उस चीज़ को, उस चीज़ का नाम नहीं ले सकते और दूसरे को गेस करना है. क्या है? ठीक है, लेट्स स्टार्ट. लेट्स प्ले. मेरे पास कुछ चिप्स है जी. ये आपके लिए, आप इनमें से कोई भी चूज करके कर सकते हो. ये आपके लिए. लेट्स स्टार्ट विथ नवाज जी. आपको गेस करना है ठीक है क्या है. बोल सकते हो आप? घर. कश्मीर. कश्मीर जी की वादियों में क्या खाया जाता है? बादाम. नहीं. खाना. खाना. खाना कौन सा खाना? अच्छा वहाँ पे कश्मीर में जाके कौन सा खाना खाया जाता है? कश्मीर कभी गई नहीं हूँ मैं. गाजर का हलवा. खाना होता है थोड़ा तो दो कुछ. सब बैठ के जो खाते हैं 56 भोग होता है उसमें, मतलब बहुत सारा खाना होता है, अलग अलग तरीके का खाना होता है. मुझे नहीं पता सर सच्ची में. आप ना मेरी टांग खींच रहे हैं आज. अच्छा पास कर सकते हो. मैं हारी नहीं हूँ ठीक है. ये आप हार चुकी हो तो मान लो अपनी हार मान लो. ईगो ईगो मत दिखाओ आप. ठीक है पास सर पास. हाँ बता दीजिए क्या था. पासवान. ये कौन है? ये राज कौन? बाजवान. बाजवान. मैं कश्मीर जाऊंगी तो बाजवान जरूर ट्राई करूंगी. बाजवान नहीं. बाजवान. वो बाजवान. वाजवान.
सर गुजराती लोग बहुत खाना पसंद करते हैं. फाफड़ा. बहुत इजी था. नाइस नाइस. वन नीला. हाँ ये ब्रेड पे लगाया जाता है. नटेला. कितने तरह के होते हैं? पीनट बटर. नहीं और? और सर ग्रीन रंग का होता है. अवोकाडो. एंड टोस्ट. टोस्ट करेक्ट. ओह दैट्स वन वन. चलो नेक्स्ट. अरे बाप रे सर ये ऐसी एक डिश है जो क्या कहते हैं लोग जो होते हैं वो बीमार होते हैं तब खाते हैं बट लोग जब बीमार नहीं भी होते तब भी वो खा लेते हैं. खिचड़ी. आई हैव टू मेक इट लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड. डेफिनेटली. अच्छा ये वो है बहुत खाते हैं. नाम मैं अगर लूंगा वो वाला है. कुत्ते खा रहे पेडिग्री. नहीं उसको खाते हैं. तो फिर बहुत हॉट होता है वो. हॉट डॉग यार. मैंने बोल दिया पेडिक. ओ नाइस. हाँ सॉरी. सो ये एक प्रकार का ऐसी चीज है. ये गोल है बहुत. गर्मियों में खाई जाती है. तरबूज. वाटरमेलन. अच्छा लास्ट राउंड. अगर इसमें आप टाई ब्रेक कर पाओ. आई थिंक एक चाइनीज या बहुत कोरियन है ये फूड. राइस होता है उसमें. फिश भी होती है उसमें. क्यूजीन क्या है सर? क्यूजीन क्या है? चाइनीज ही होगा ना. जापानीज. हां सॉरी हां जापानीज. सुशी. करेक्ट. हां और डिंग 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 डिंग. लास्ट वन चलो लेट्स सी. ये थोड़ी ना खाने की चीज है जो आपने दे दी है मेरे. है मुझे समझ क्या है. क्या सर ये मैं खुद शॉक हो गई हूँ बट ठीक है अभी आपको बता दूँ. अब डिफिकल्ट बना के बताओ. सर ये वॉर्स होते हैं ऐसे जो वॉर होते हैं लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं उसमें से यूज किया जाता है. ये खाने की चीज है. हाँ हाँ सर खाने की चीज है. पास सर. बहुत डिफिकल्ट. ये जीतना चाह रही है. पास हो गया सर. गन पाउडर. गन पाउडर वो खाया जाता है. पोड़ी पता है? पोड़ी सुना है? एक टाइप का चटनी होता है. हाँ. जो साउथ में यूज करते हैं. अच्छा. रेड कलर का. उसका इंग्लिश नाम इज गन पाउडर. बहुत डिफिकल्ट था. बहुत डिफिकल्ट था यार. अगर ये नॉर्मली भी एक्सप्लेन करते तब भी ना बता पाता. 100% नहीं. कमिंग बैक टू योर अपकमिंग फिल्म टेक अवेक शेरू दैट वन. पहले तो मुझे बताओ कि व्हाट मेड यू पिक अप द फिल्म. The fact that I got a chance to work with him, I think that was there. And ma'am, Kangana ma'am, and the beautiful script that we have, the beautiful story we have. And Tiku is lovely, and I really wanted to play a character like her. Kangana jab aayi thi to hum log mile the, unhone film ka zikr kiya. Halanki maine pehle se hi tay kar rakha tha. Iski padhi to bahut achhi script iski achhi hai kyunki quirkiness bahut hai puri script mein. Aur character dono ke character bahut hi amazing hai. Bahut hi matlab अलग हट के इसलिए कह सकते हैं कि जो नॉर्मल जो होते हैं ना नॉर्मल नहीं है अगर देखा जाए तो. बहुत ही अतरंगी है. और कंगना जी के साथ काम करी कैसे लगा? हाउ इज दैट एक्सपीरियंस? शी इज अमेजिंग प्रोड्यूसर. क्रिएटिविटी के मामले में कंगना का जो डेडिकेशन है वो अमेजिंग है. हर डिपार्टमेंट में उनका इन्वॉल्वमेंट था. तो हम लोग रिहर्सल भी करते थे साथ में तो बड़ा मज़ा आता था. बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे एडवांसेस उनसे बीच बीच में चूँकि एक्टर हैं वो तो इसलिए वो बीच में ऐड करते थे. Do you remember first paycheck या first page of work जो आपका था? आज तो आप दोनों कमा ही रहे हो. मैंने थिएटर किया था. स्ट्रीट प्लेस करता था मैं. तो वो पैसा मेरा मुझे पहले मिला था. फर्स्ट कैश कितना था? 5,000 के आसपास होगा. तब उस वक्त तो बहुत 5,000 की बहुत वैल्यू थी. बहुत ज़्यादा. बट लोग बोलते हैं कि थिएटर में ज़्यादा पैसा नहीं है. हाँ नहीं होता लेकिन वो थिएटर जैसा नहीं था. वो कमाई का ज़रिया था क्योंकि पहले क्या होता था जैसे अब कोई भी चीज़ आ रही है जैसे ऑयल आया तो इतना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट तो होते नहीं थे. टीवी पे दूरदर्शन होता था तो क्या करते थिएटर के जो एक्टर होते थे उनसे एडवर्टीजमेंट करवाते थे. तो जगह जगह पे जाके चौराहों पे जाके हम लोग उस ऑयल के बारे में बात करते थे और उसके अराउंड हमने एक स्टोरी बना ली थी उसको परफॉर्म करते थे. पहले ढोल ढमड़ा बजा के जब पहले लोगों को इकट्ठा करते थे जब वो सब आ जाते थे उसके बाद थिएटर वो शुरू होता था स्टोरी शुरू. इसको ही नुक्कड़ नाटक बोलते हैं. नुक्कड़ नाटक बेसिक को बोलते हैं. स्ट्रीट प्लेस. स्ट्रीट प्लेस करेक्ट. व्हिच वाज द मोमेंट जब आपको पता चला कि आई हैव अराइव्ड नाउ अब दिस इज द मोमेंट दैट आई वाज वेटिंग फॉर. गैंग्स के मतलब रिलीज होने से पहले ही पता हो गया था मुझे.
जब मैं लास्ट सीन कर रहा था, हमारे फिल्म का जो लास्ट सीन है ना, गैंग्स ऑफ वासेपुर का जो लास्ट सीन है जिसमें गन से मार रहा हूँ विलन को, उसमें ही मालूम हो गया था मुझे क्या मर रहा है अपना। लेट्स गो, गेट अ स्टार्ट, आई एम हियर। बट मैंने तो सबके बारे में पूछ लिया, इसके साथ काम करके कैसे लगा, उनके साथ काम करके कैसे लगा, एक दूसरे के साथ काम करके कैसे लगा, बिकॉज जितनी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री अच्छी है ना, उतनी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री अच्छी है मैंने देख लिया। बहुत मजा आया एक्चुअली। थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा सा नर्वसनेस थी कि क्या होगा कैसे होगा, सोचते हैं ना इंसान अभी, इतना नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर हमारे तो, बट एक्चुअली इज अ वेरी स्वीट पर्सन एंड ही इज वेरी फन टू बी अराउंड एंड ही मतलब लाइट्स अप द सेट व्हेनेवर ही इज देयर। और बहुत मज़ेदार किस्से बताते हैं, बड़ा मज़ा आता है इनके साथ बातें बातें करने में, बहुत हंसा आते हैं। बहुत बुरा लगा मुझे इनके साथ काम करके, इन्होंने परेशान कर दिया था पूरी शूटिंग पे यार। बोले हाँ, हर रोज डिमांड करती थी ये, आज मेरे लिए 5 किलो सोना लेके आओ, आज मेरे लिए खाना लेके आओ, मेरे कॉफी चाहिए। सब परेशान किया मुझे इन्होंने, बता नहीं सकता मैं आपको, पता है डिमांड जिनकी बढ़ती जा रही थी। हाँ, फर्स्ट टाइम जब देखा मैंने तो मैंने लगा दी हाँ लड़की तो अच्छी है, बट जब सेट पे गए, जब फॉर्म किया उन्होंने, तब मुझे लगा माय गॉड तो बम है, छोटा सा बम है जो बड़ा धमाका करने वाला है। On today's episode of तेरी गली में, I think we'll end up here because बहुत कुछ है खाने के लिए और उसके लिए बातें कम करनी पड़ेगी। So this is Nawaz ji and Abhi with me on today's episode of तेरी गली में। This is Aarohi Thatte signing off for today. मिलेंगे अगले episode में sometime. Yes. दावत शुरू की जाए, खत्म की जाए, दावत खत्म की जाए, खत्म की जाए। We'll be right back.